सभी से भी बढ़ाओगे। और डेफिनेटली इंग्लिश अगर आपका नहीं सही तो बता दीजिएगा, जो भी सेक्शन नहीं सही हो मैं वो भी आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपन ना हर एक सेक्शन में कहीं ना कहीं अच्छा कमांड है। ठीक है, तो अभी क्या जीके के मॉक टेस्ट फिर से कराने वाले हैं, 25 क्वेश्चन है एज यूजल अपना कट ऑफ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे 30 नंबर लेके आते हो 25 में, तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन 25 में स्कोर जरूर बताना, एक दो क्वेश्चन में इधर उधर हो जाता है, मतलब इधर उधर आई मीन कि कभी कल हिंदी इंग्लिश में कन्वेव कन्वेक्स, और हिंदी पे मतलब दूसरा लिखा था इंग्लिश पे दूसरा, तो इंग्लिश वाले भी कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा हो जाता कभी कभी, तो टेंशन मत लिया करो। देखो दर्पण का हमसे पूछा है, सिंपल सा, अब बस ये याद रखना दर्पण का पूछा है कि किसका। ठीक है, आपको अगर वाटर इमेज पूछता है तो आपको नीचे को कन्वर्ट करना होता है, अदरवाइज आपको दर्पण पूछा है मिरर को, जिधर होता है उधर ही आपको कन्वर्ट कर देना होता है, बाकी कुछ भी इसमें चेंजमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाएगा, देखो जब दर्पण बताना है तो ये वाला सिरा उठ के इधर आएगा और ये वाला उठकर इधर आ जाएगा। ठीक है, और भाई जब ये वाला इधर है, ठीक है, इसे जस्ट आप इधर करोगे तो इसका जो फेस होगा वो इस तरह का हो जाएगा, अपोजिट होगा सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो ये नीचे बोल्ड है ना, नीचे वाला सिरा ये वाला सिरा बोल्ड है ना यहाँ पे, तो नीचे वाला सिरा ये वाला बोल्ड होगा, तो पहले के इधर होना चाहिए पक्का, तो ये देखो यहाँ पे डी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, अब या तो ये होगा या तो मतलब ये होगा। अब एक चीज देखो सर, बी इधर होगा, अपोजिट होगा, अब भी अपोजिट होगा तो सेम टू सेम ऐसे थोड़ी आ जाएगा उठ के, जैसे यहाँ पे भाई ये भी बदलेगा। ठीक है, अगर बी ऐसे लिखा है तो अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो बी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी भी आपका गलत हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल राइट था। ठीक है, आपका भी आई थिंक राइट ही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ब्लड रिलेशन, मैं आपको आराम से बताऊंगा। ए बी ए बी और के की माता है, ए है ना जो ए भाई माता है, पहले ही बता दिया, और किसकी किसकी बी और के की। अब हमें ये नहीं पता बी मेल है कि फीमेल है, बट हमें ये पता है कि ए माता है, मम्मी है बी और के की, डी ए का पति है। ओके, तो भैया अपने इनके पिताजी भी अपने को मिल गए, पिताजी मिल गए, तो हम यहाँ पे ऐसे करके इनको पिताजी को ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, डी ए का पति है, ई डी के भाई का लड़का है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, डी का भाई, ठीक है डी का भाई कौन है, ई ई डी के भाई का लड़का है, अच्छा ई यहाँ पे आया उसका लड़का है, और डी का कोई भाई है यहाँ पे, हमें नहीं पता वो कौन सा भाई है। ठीक है, लेकिन भाई है तो मतलब हम इसे ऐसे बंद कर देंगे, ई उसका लड़का है, उसके भाई का लड़का है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए मतलब इसकी पत्नी का इस लड़के से क्या संबंध है, हमसे ये चीज पूछी है। ठीक है, 78 नंबर पे, अब डिफिकल्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो देखो अब देखो भाई ये तो दोनों देखो इनके मम्मी पापा थे, इससे अपने पूछा नहीं है, ये पति पत्नी है और ये इनका भाई है। ठीक है, अब मान लो आपके पापा हैं, ठीक है आपके पापा हैं और उनके भैया, ठीक है, और आप भैया का लड़का जो है वो आपकी मम्मी को क्या कहेगा, तो सिंपल है चाची कहेगा, कोई ऑप्शन है आंटी, मदर इन लॉ, देखो सास कभी नहीं कहोगे, इतना डीप रिलेशन जा नहीं रहा है, सिस्टर इन लॉ, ननंद भाभी का कुछ इतना जा नहीं रहा, बहन बहन का तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो सिंपल है आपका चाची के साथ आप जाने वाले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पेपर में आएगा, रोप को इन्होंने लिखा है, 3 4 5 6 को, 6 को रोप लिखा है, 1 5 5 2 6 को एप्पल लिखा है, एंड 5 4 6 1 3 को क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहला तो नंबरिंग होता है, लेकिन एक चीज आपको यहीं पे देख लेनी होती है कि जो 5 4 6 1 3 लिखा है कहीं इनमें तो कॉमन नहीं है, देखो क्योंकि 6 में 5 मिल रहा है हमें, 4 भी मिल रहा है, और उसके बाद हमें 6 भी यहाँ पे देखो मिल गया, और हमें 3 भी मिल गया। ठीक है, और क्या बचा, 1 बचा, तो 1 हम यहाँ से आगे से ले लेंगे, देखो एप्पल में वाला ए फॉर 1, तो हम चलो 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 की जगह पे हम लिखेंगे पी, तो पी लिख दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद पी, और 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, ओ, तो पी ओ किसी ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ए में नहीं है, और डी में भी नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बस इन्हीं में से आपको छांट के लिखना था। चलिए आगे बढ़ता, किसी कूट भाषा में गिव को इन्होंने ये लिखा है, ओवर को ये लिखा है, तो डिस्को को क्या लिखेंगे। भाई सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती है, आपको ऐसे जी आई वी यहाँ पे लिख लेना कॉपी पे फटाक से, और आपको यहाँ पे नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4, और उसके बाद देख लो वी आई ई जी इन्होंने लिखा है, तो हम वी आई ई जी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इनकी पोजिशन क्या लिखी है, तो वी कितने पे, 3 पे,
और उसके बाद आई कितने पे है, दो पे, और उसके बाद ई कितने पे है, चार पे, और उसके बाद जी कितने पे है, फर्स्ट पे। ठीक है, मतलब जी आगे वाला उठ के पीछे चला गया। अगर आप चाहो तो डी पीछे आएगा पक्का। ठीक है, तो डी देखो सभी दो ऑप्शन तो शुरू के डी नहीं हो सकते, ए और सी तो आपका ऑप्शन देखो पीछे है ही नहीं, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक, और देख लेते हैं ऐसे ही लॉजिक से कर, नहीं तो ये तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे दे रखे हैं तो आप ऐसे ही लॉजिक से कर सकते हो। क्योंकि देखो आई दे रखा है तो आई अपनी जगह पे स्टैंड करता है, तो यहाँ पे जो आई है वो अपनी जगह पे रहेगा, तो इन दोनों पे चलो आई आई है। ठीक है, डी डी था, अब हमें एक अक्षर और कोई ढूंढ लेना, जैसे वी है, थर्ड पे था फर्स्ट पे आ गया, तो यहाँ पे यस जो थर्ड पे था फर्स्ट पे आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आप इस वाली चीज से बच सकते थे, लेकिन अगर पेपर में जब ये डिजिट मतलब ये जो लेटर लिखे हुए हैं जो बड़े बड़े आ जाते हैं यहाँ पे पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ के, तो फिर आपको ये वाली रूल यहाँ पे बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत की प्रथम महिला शासक थी, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम शासिका हमसे पूछा है। ठीक है, प्रथम महिला शासक कौन सी थी, प्रथम मुस्लिम शासिका हमसे पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा आंसर होगा 80 का, क्या होगा भाई 81 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश से थी। ठीक है, कौन से वंश से थी, गुलाम वंश से थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, 1206 से 1210। फिर उसका गुलाम इल्तुतमिश, उसकी बेटी थी कौन, रजिया सुल्तान। ओके, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लक्ष्मीबाई का आप सभी ने सुना होगा नाम, रुचा का भी नाम आप सभी ने सुना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, G2 नंबर। तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ओके, आगे महात्मा गांधी का आप सभी नाम सुनते हो, इनकी दो बुक बहुत पूछी जाती है, क्या बोलते हैं, एक तो हिंद स्वराज हो गई, एक तो हिंद स्वराज हो गई, हिंद स्वराज, और दूसरी एक होती है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ ट्रूथ सॉरी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये दोनों बुक बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे, गांधी जी के। आगे, मलेरिया बीमारी फैलती है, मलेरिया प्लाज्मोडियम आप सभी ने सुना होगा। देखो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को। ठीक है, मलेरिया दिवस। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा है मलेरिया बीमारी किसके कारण, मलेरिया मतलब सुना होगा आपने, मानव जाति के कारण, ह्यूमन बींग्स के कारण, मच्छरों के कारण, बैक्टीरिया के कारण, मादा मच्छर के कारण फैलती है। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉस्किटो के कारण, मच्छर के कारण, और दोनों ऑप्शन दोनों तीनों बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको जरूर बताना कितना भी रहता है आपका। प्रोटीन जो होता है, ठीक है, तो जो रिच मतलब सोर्स होता है, जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है वो बताओ। एक बात और आपको बता देता हूँ आप सभी के लिए, MR के लिए मैं फुल टेस्ट आपका करा रहा हूँ पेपर का, मतलब पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में जो आएंगे, और पूरा आपको टाइम मिला पेपर की तरह। ठीक है, वो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो टेलीग्राम पे होता है डेली का डेली, आपको सारा टेलीग्राम नहीं पता हो, जिनको नहीं पता तो उनको बता दीजिएगा कि आप सभी की हेल्प हो जाएगा। मैंने कहा चलो बता देते हैं, हम टेलीग्राम ओपन कर लेते हैं आप सभी के लिए। और टेलीग्राम ओपन करने के बाद एक दीदी का मैसेज आया, कोई बात नहीं उनसे बात करते हैं, टेस्ट हो गया, अब उसी टेस्ट का है इनका। देखो यहाँ पे ये तो अपना मेन चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ना, यहाँ पे आज के टॉपर्स की लिस्ट भी मैंने मेन चैनल पे अपडेट की है, कोई सत्यम करके इन्होंने भाई ने टॉप मारा। दूसरा अपना चैनल ये है ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 के नाम से, यहाँ पे देखो टेस्ट हुआ है आज। ओके, ये देखो डेली होता है, डेली होता है, 4 दिन से चलता आ रहा है, यहाँ पे टॉपर्स की लिस्ट देख सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन 2.0, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इवन बट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बताता हूँ, जो भी मॉक लगाना चाहते हो, ठीक है, सेव्ड अगर मिलता है तो आपको वो भी चीज़ बता देते हैं। अगर जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो उन सभी के लिए भी परीक्षा एप्लीकेशन एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। उसको करने के लिए आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, परीक्षा एप्लीकेशन ओपन करना है, इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा, नीचे टेस्ट पे क्लिक करना है। टेस्ट पे क्लिक करोगे, नीचे देखो अनलॉक विद प्रो पे मत क्लिक करना, नहीं तो फिर आपके रुपए ज्यादा लग जाएंगे। आपको यहाँ पे फ्लैट 2 पे क्लिक करना है, इधर फ्लैट 2 पे क्लिक करना है, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कर्सर है बस इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का नीचे आएगा अनलॉक 9 पे, तब अनलॉक 9 पे क्लिक करोगे, देन आपका कुछ इस तरह से आएगा, और ऑनलाइन D50 कूपन कोड डालना और अप्लाई कर देना। कम से कम डेली 2-2 मॉक लगाओ, कम से कम डेली, और फुल अच्छे से एनालिसिस करो तो बेहतर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, 84 नंबर। तो सिंपल है, सोयाबीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, सोयाबीन कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, मतलब इधर इंडिया पे सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, MP पे, ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्याज कहाँ पे, महाराष्ट्र पे।
नेक्स्ट है 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक कौन जीता। देखो 2021 का तो सबको पता होगा कि नीरज चोपड़ा सर जीते, लेकिन आपको 2008 का पूछ लिया है, ठीक है। तीरंदाजी में जीते थे कौन, अखिल कुमार, बिल्कुल गलत जवाब। सतपाल कुमार, गलत जवाब। अभिनव बिंद्रा, सभी को पता होगा, मुझे लगता है सभी को पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओलंपिक गेम्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ओलंपिक गेम्स के बारे में बता देता हूँ, तो ओलंपिक गेम्स जो 2008 के हुए ये बीजिंग में हुए, 2012 के जो हुए वो लंदन में हुए, 2016 के जो हुए वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए, 2020 में जो होने थे वो 2021 में हुए कोविड की वजह से टोक्यो जापान में, अब 2024 के फिर से होंगे, कहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे, फ्रांस के पेरिस में, तो मैं पेरिस फॉर पी लिखता हूँ। और 2028 में जो होंगे वो लॉस एंजल्स अमेरिका, और 2032 में जो होंगे, कोविड ना आए तो सब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ब्रिस्बेन में होंगे। तो ये कुछ प्रोसेस है, अगर आपको जो याद रखना है। वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो 2021 2024 ये दोनों हैं कि अभी जो हाल ही में हुए थे 21 पे टोक्यो पे हुए थे, और अगले जो होंगे फ्रांस के पेरिस में 2024 में। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आ भी सकता है, तो देख लीजिएगा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे, मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे बताने, मतलब एक इतना आपको लगेंगे लेकिन आप गलती नहीं करोगे। देखो तो सिलिकॉन का नाम आपने सुना, धातु होती है सिलिकॉन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना जो इलेक्ट्रिक सिटी है वो कौन सी है, बैंगलोर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो सिलिकॉन वैली कहाँ पे, अगर आपसे पूछ लेता है तो आप सभी वहां पे जाएंगे बैंगलोर के साथ में, ठीक है। अगर आपसे साइलेंट वैली पूछ लेता है, साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली आपके केरल में, शांत घाटी केरल पे। अब कैसे याद करो भाई, केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो वहां के लोग जो होते हैं ना शांत रहते हैं, वहां के लोग कैसे होते हैं, शांत रहते हैं। जरा मैं नहीं यार आओ भाई ट्रेन में जा रहा हूँ भाई, एक दो बार ऐसे भाई मैं फंसा कि बिहार वालों के साथ में, मैं वो नहीं करूँ, मैं अभी यूपी से हूँ, हाँ, तो लाइक अलग ही टाइप का वो थोड़ा रहता है, बिल्कुल हल्ला हल्ला मचाते हुए। तो मैं यहाँ पे एक रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई, आगे चलो। तो सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। ओके, बिहार आप सभी जानते हो, बिहार के अगर मुझे कोई राज्यपाल बता सकता है तो बताइएगा। ओके, फागू चौहान है, वैसे नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री 8वीं बार बने, ओके, 8th टाइम। आगे पश्चिम बंगाल का आप सभी जानते हो, पश्चिम बंगाल का आप सभी जानते हो, पश्चिम बंगाल के हाल ही में भी नए राज्यपाल बने हैं, और वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो कौन है पता है आपको, तो ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी है। और वेस्ट बंगाल के जो भी हाल ही में राज्यपाल बने हैं उनका आनंदा बोस करके नाम है, ठीक है, आनंदा बोस, मेरा वैसे नाम है आनंद, तो मैंने अपने से ही नाम से ही इनको रिलेट कर लिया, आनंदा बोस, ठीक है, आनंद बोस समथिंग करके नाम है। ओके, तमिलनाडु की अगर बात करते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, आर एन रवि यहाँ के मतलब राज्यपाल है। ओके, उड़ीसा के नवीन पटनायक है, एंड गणेशी लाल वहां के राज्यपाल है। ओके, तो आर एन रवि से कैसे तमिल मिलना, भाई अभी तो मुझे मिलना है ना रवि से, तमिल मिलना है मुझे किसे, रवि से। और तमिलनाडु की राजधानी अगर आपको नहीं पता तो भाई चैन नहीं मिलता, चेन्नई। ओके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, हुगली नदी के तट पे बिहार, सभी को पता होगा पटना। गोवा की राजधानी है, फिर से क्वेश्चन है तो पणजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, असम की दिसपुर है, गोवा की पणजी है और असम की दिसपुर है। गोवा के अगर बात करता हूँ चीफ मिनिस्टर कौन है हाल ही पे, प्रमोद सावंत। ओके, प्रमोद सावंत, किसी को अगर पता है तो यहाँ के राज्यपाल बता सकते हो, देसपुर हो गए। आसाम के जो मतलब अभी आपके मुख्यमंत्री हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जगदीश मुखी, मतलब राज्यपाल, वही नागालैंड के भी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दे रखा है यहाँ पे, और कोई आपकी नागालैंड की राजधानी है। चलो, बनसागर बांध किस नदी पर है, 88 नंबर हमसे पूछ लिया है, 88 नंबर हमसे पूछा है कि बनसागर बांध जो है ना वो किस नदी पे है। सिंपल सा है, थोड़ा सा सोचो और फिर आंसर करो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैं रुका हुआ हूँ, आप कमेंट करो जाके अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अपन तो फिर बताने के लिए बैठे ही हैं। 88 नंबर, ठीक है, तो किस नदी पे, सोन नदी पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बात करते हैं फरक्का बांध कहाँ पे, फरक्का परियोजना कहाँ पे, तो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल पे, गंगा नदी पे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिजोरम की राजधानी कौन सी, एक दो मतलब यहाँ पे जानबूझ के लिए है क्योंकि इसमें आएगा आपके पेपर में, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है, ये सभी को पता होगा, आइजोल। ओके, मिजोरम की क्या है, आइजोल है। ओके, अरुणाचल प्रदेश आपका ईटानगर यहाँ पे दे रखा है, और कोहिमा मैंने ऑलरेडी बताया, मेघालय की शिलांग हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
इन सभी राज्यों के आपको वो पता होना चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, बार बार तभी बोल देता हूँ, यहाँ पे कुन्नाट संगमा है मेघालय के, मेघालय के और अरुणाचल प्रदेश के दोनों के राज्यपाल सेम ही है, बीडी मिश्रा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके संस्थापक कौन थे, ये हमसे पूछ लिया 90 पे। तो देखो, संस्थापक की बात करूं तो एओ ह्यूम थे, ओके, एओ ह्यूम थे। और ये तो आप जहां की नटा ही दो, महात्मा गांधी की बात ही ना करो। और दादा भाई नेहरू जी उसके पहले अध्यक्ष थे, डब्ल्यू सी बनर्जी उनके पहले अध्यक्ष थे, ये संस्थापक। तो अच्छा, कब स्थापना हुई? तो दिसंबर 1985 पे, ठीक है, दिसंबर 1985 पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसके अगर पहले अंग्रेज अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लेता है तो जॉर्ज जीवले, ओके, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। रुकिएगा थोड़ा सा, ये कहाँ भग रहे हो भैया, इधर आओ। पहले अंग्रेज अध्यक्ष आपके जॉर्ज जीवले थे। और भी चीजें हैं जो बताने लायक है, महिला पे बात करता हूँ, एनी बेसेंट हो गई, और 1916 पे। और अगर बात करते हैं भारतीय, बात कर लेते हैं तो आपकी सरोजनी नायडू 1925 पे कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। गांधी जी ने 1925 पे अध्यक्षता की, कहाँ की? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, क्या की? बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की, ओके। जवाहरलाल नेहरू 2019 पे लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची 1931 पे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा, ओके। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो करके वही सेम टू सेम रिपीट होते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1907 रास बिहारी बोस, 1916 अंबिका चरण मजूमदार, यहाँ पे भैया लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ पे सब पैचअप टाइप में हुआ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वो सूरत अधिवेशन था, फिर बाद में अपना लखनऊ पे। चलो, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कुचिपुड़ी का उद्गम स्थान है। देखो यहाँ पे डांस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर में, तो मैं आपको यहाँ पे 8वीं क्लास का डांस बता देता हूँ अगर मुझे याद आता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा है कुचिपुड़ी कहाँ का है, वैसे तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है, और 91 नंबर पे। अब कुचिपुड़ी के साथ में मैं आपको बताऊँ, क्लासिकल डांस 8 है और क्लासिकल लैंग्वेज 6 है, ओके। क्लासिकल डांस में जैसे गुजरात का, तो क्लासिकल डांस वैसे गुजरात के अगर डांस में जितने डांस मैं बताता हूँ, देखो आपका आ जाता है गुजरात का डांस, जैसे कि गरबा और डांडिया आपके लिए फेमस है, ठीक है, गरबा और डांडिया बहुत पूछा जाता है। और यहाँ की अगर बात करता हूँ तो एक दो और होते हैं, जैसे कि लाजी करके होता है, एक लाशी करके होता है, और एक टिप पानी होता है। टिप पानी ये भी मॉक में मैंने बहुत बार देखा, टिप पानी, ठीक है। तो कोई अगर टिप्पणी करता है तो मान लो रात में गुजर जाती है, रात रात में कोई टिप्पणी करता है तो गुजर जाती है। आंध्र प्रदेश के हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बताया, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इनका अगर ये जो फेमस डांसर है राजा रेड्डी, राधा रेड्डी करती है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी आंध्र प्रदेश का है, जैसे कि लंबाड़ी करके एक होता है, और केरल की बात कर लेते हैं तो केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। केरल का तो बहुत सारे नृत्य हैं, बट दो आपको बताता हूँ जो पेपर में आपके पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो गया, और कथकली। देखो कथक और कथकली में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कथक उत्तर प्रदेश का होता है और कथकली आपका केरल का होता है, ठीक है, केरल का होता है। अब याद कैसे करेंगे भैया, कथक उत्तर का, केवल उत्तर प्रदेश का क्या होता है, पूरे नॉर्थ इंडिया का ही मान लो, ठीक है। राजस्थान अगर उत्तर प्रदेश नहीं दे रखा है तो नॉर्थ इंडिया में राजस्थान का भी यही हो जाता है, शास्त्रीय नृत्य। तो कथकली में देखो कली पीछे है, केरल कल 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 कल, ऐसे ऐसे याद कर लोगे, केरल कथकली, कंफ्यूज मत होना। और मोहिनीअट्टम भी यही का है, ओके। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा का एक फेस्टिवल आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो फेस्टिवल है नुआखाई। उड़ीसा का एक फेस्टिवल है नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नुआखाई, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ऐसे आते जाएंगे तो फिर करते चलेंगे, तो फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में हमसे कुछ पूछा है, चलो कोई नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए, हमें 63 आर्टिकल पे बताया गया, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी हमें पता है, ये 63 आर्टिकल में होता है, 64 में होता है, ये दोनों चीजें मैंने लिख दिया, कॉपी में नोट कर लेना। 92 नंबर देखो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको चलते हैं। हमसे पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 20 नंबर लगता है, सब बताने हैं। लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं, लोकसभा के स्पीकर होता है, नहीं, लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला। रेड क्रॉस के राष्ट्रपति होते हैं, नहीं सर, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट था, ठीक है। किस आर्टिकल में यह चीज मेंशन की गई, 64 में, ओके। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है।
वही हमसे पूछा 1945 में, तो पूछा है कब मनाया जाता है 24, तो आप बता दो कि तुरंत 24 अक्टूबर को। अच्छा मैं आपसे एक दो क्वेश्चन मैंने आज दिन में पूछे थे आपको, करंट का एक वीडियो दिया था टेलीग्राम पे, तो उसमें मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे कि डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को, और इसी 2022 से स्टार्ट हुआ वीर बाल दिवस 26 दिसंबर से। ठीक है, अब मुझे आप बताओगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मधुमेह दिवस डायबिटीज डे कब होता है, मधुमेह दिवस सुनाई दे रहा है ना, बस वही बता देना है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। ठीक है, अब 30 अक्टूबर आप सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर को पता है क्या होता है, अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, 14 नवंबर, वैसे जो मैंने कुछ नहीं, चलो बताना जो आंसर मैंने आपसे पूछा। ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित में किस देश और उनकी राजधानी की युक्ति सही नहीं है। ओके, तो बांग्लादेश के ढाका है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका है, बिल्कुल सही बात है। ओके, और यहाँ की अगर वो बात कर लेते हैं जैसे संसद है अपने देश की, तो यहाँ की कौन है, यहाँ की संसद क्या है, तो जातीय संसद है। ठीक है, जातीय संसद है। आगे अफगानिस्तान की अगर संसद की बात करता हूँ तो सोरा है, सोरा, जैसे अपने इधर संसद नहीं है ऐसे ही भाई, यहाँ पे जो अफगानिस्तान है उस संसद को वो लोग सोरा बोलते हैं, बांग्लादेश में जातीय संसद बोलते हैं। ओके, और अगर बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की तो वहां पे पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके, आगे बोलते हैं कनाडा की बात करता हूँ, ओटावा सही है। इटली की मिलान गलत है, इटली की मिलान कैपिटल है क्या बताओ, अच्छा इटली की मिलान नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर करेंसी की बात करते हैं तो अलग अलग देशों की अलग अलग, बांग्लादेश में जैसे टका चलता है, अफगानिस्तान पे रुपया चलता है अफगानिस्तानी रुपया टाइप में, कनाडा कनाडा कैनेडियन डॉलर चलता है, इटली पे बात करते हैं, इटली भाई उधर है यूरोप का कंट्री है, तो इधर तो मोस्टली इधर के जितने भी स्टेट है वहाँ पे यूरो चलता है, तो इटली का गलत हो गया, रोम हो जाएगा यहाँ पे, गलत है आंसर। मतलब सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में के बने कपड़े पहनते थे, तो सिंपल से पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे पूछ लिया जाता है 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी ने खोज की, उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ठीक, ये लड़का ना पाकिस्तान में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो अच्छा इसका आंसर तो कर लेते हैं, साथ घाटी के लोग मतलब सिंधु घाटी के लोग जो थे किसके बने कपड़े पहनते थे हमसे पूछा है 95 नंबर पे। ठीक है, तो जो थे सूत और ऊन के कपड़े पहनते थे, सूत और कॉटन एंड वूल के, बाकी तो ये सभी कर ही सकते हैं, लॉजिक से भी क्वेश्चन हो जाता है। 95 नंबर, सिंधु सभ्यता थी, द्रविड़ सभ्यता थी और नगरी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये क्वेश्चन हो गया 95 96। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया फिर से, हाँ तो अभी अभी तो इस बार का भी रिजल्ट आ चुका है, जो क्वेश्चन है ना इसका रिजल्ट आ चुका है, तो मैं अभी क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आराम से, जल्दी नहीं है बस आप मॉक आराम से अटेम्प्ट किया करो, स्कोर बताया करो कितना रहता है, कलर चेंज करते हैं। अब बताओ ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है, 96 नंबर हमसे पूछा है, ग्रास कोर्ट पर कौन सा टेनिस होता है। देखो साल में भाई 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, बताने के लिए इसमें बहुत है, मैं जैसे आपको 2022 में चारों हुए, उसमें फीमेल का अलग होता है और मेल का अलग होता है। ठीक, अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी सब रिवाइज करा दूं, पहले तो ये बता दूं कि कौन कहाँ पे होता है, ग्रास कोर्ट पे कौन सा अंतरराष्ट्रीय, पहले सबसे पहले देखो साल के स्टार्टिंग में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मान लो शुरुआत में ही होता है, तो आप ऑस्ट्रेलियन ओपन याद कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फिर लगभग मार्च अप्रैल अप्रैल में लगभग आपको फ्रेंच ओपन होता है, तो मार्च फ्रेंच फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपका होता है विंबलडन और उसके बाद होता है आपका यूएस ओपन। ओके, तो जो 96 नंबर है यहाँ पे, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओके ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो, और आपका यूएस ओपन पहला और लास्ट, ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, किस पे, हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे दोनों के दोनों खेले जाते हैं, और जो बचते हैं बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, कैसे पे, ग्रास कोर्ट पे, ग्रास के बने कोर्ट पे। ठीक है, और फ्रेंच जो होता है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। अब आपसे पूछा क्या है ये देख लो, ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है 96 नंबर पे हमसे पूछा है, तो विंबलडन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपसे जैसे इस बार का हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर से इस बार का हो चुका है। ठीक है, तो वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मुझे ये पता है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक रिलेट कर लेता हूँ, कि जैसे आपको याद करने का, जैसे कि इस बार जो फीमेल जीती है, ठीक है, उन्होंने एलिना रिपकीना को हरा कर, क्योंकि वो लास्ट टाइम की विनर थी, उनका नाम याद है, उन्होंने उस उनको हरा कर, फिफ्थ टाइम की जो थी उनका नाम में लंका टाइप में है, ठीक है, लंका टाइप में उनके नाम है, जो फीमेल में जीती हैं। ओके, और मेल में तो भाई वही नोवाक जोकोविच, जो इधर विंबलडन जीते थे आपके 2022 में, उन्होंने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, मैं आपको एक बार रिवाइव करा दूं, रुको देखो, पहले बार अगर मैं पिछली बार का बताता हूँ, यहाँ पे लिख दो, फीमेल में लिख रहा हूँ, ठीक है, चारों टेनिस टूर्नामेंट का एयर
AIRI। देखो चारों टीम टेनिस टूर्नामेंट का क्रम से पहला ने जो जीती ऑस्ट्रेलियन ओपन एस्ले बार्टी, दूसरा जीती इगा स्वेटेक, तीसरा कौन होता है आपका, तीसरा विंबलडन आपका रेबलिना, ठीक है, और फिर से इगा स्वेटेक जीते थे लास्ट में यूएस ओपन। और अगर पुरुषों में बात कर लेता हूं तो सबसे पहले आपका फ्रेंच ओपन जीते थे राफेल नडाल, फिर से आपका पहले मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते राफेल नडाल, फिर फ्रेंच ओपन जीते राफेल नडाल, फिर उसके बाद विंबलडन जीते नोवाक जोकोविच, और उसके बाद फिर से यूएस ओपन जीते कार्लोस अल्काराज। तो ये चारों लोग जीते थे, ठीक है। अब इस बस 2023 की अपनी फिर से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट आपका मैंने आपको बताया कोई मतलब फीमेल में एल लंका, लंका मतलब उनके नाम में जरूर आता है, और उसके बाद अगर मेल में बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ओके, आगे 96 व 97 नंबर की ओर बढ़ता है। बात को सबसे लंबा टनल जब हर टनल किस राज्य में है, 97 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से एक इजी क्वेश्चन है 90। अब इनके आंसर आपको देना है, ठीक है, अब अटल सुरंग के चक्कर में मत पड़ जाना कि भैया अटल सुरंग है 9.02 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में है, लेह से मनाली के बीच में है, ये सब नहीं बताना आपको, ये मैंने बता दिया मतलब अटल सुरंग कितना है 9.02 किलोमीटर, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताओ कि बात का सबसे लंबा टनल जवाहर टनल किस राज्य में, 97 नंबर, तो सिंपल सा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध वादक है, शिव कुमार शर्मा, देखो आप सभी का मतलब पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, बिरजू महाराज जो थे कथक के मतलब प्रसिद्ध, उनका 2022 में निधन हुआ तो वो पूछ ले जाता है बिरजू महाराज, लेकिन शिव कुमार शर्मा का पूछे आपसे तो शिव फॉर संतूर आंसर 98 का सी। ओके, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। बांसुरी वादक अगर बात कर लेता हूं तो बहुत नाम है, जैसे कि आपका राजेंद्र प्रसन्न करके एक होता है, राजेंद्र प्रसन्न करके प्रसन्न होता है, और भी नाम है, हरिप्रसाद चौरसिया होता है, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है, एक नीलमणि करके समथिंग होता है, नीलमणि लोगों के नाम है मतलब, तो अब 10-12 नाम ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो संतूर हो गया। अब जैसे सितार वादक आपसे पूछ लेता है, शाहिद परवेज है, अब तबला वादक है, ठीक है, तो बताइए तबला वादक का जनक किसे कहा जाता है, ये कमेंट में आप सभी के लिए इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने सुना होगा, जैसे सनाई वादक बिस्मिल्ला खान, ठीक है, तो ऐसे तबला वादक बताइए मुझे। 99 नंबर, यूएस के राज्य सचिव द्वारा 2014 के लिए दिया गया अंतरराष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार, ये पुराना क्वेश्चन है, आप इसकी टेंशन ना लो, 2000 अभी कुछ पूछ लेता हूँ आपका, 2000 अभी हाल ही पे हमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो 2020 का मिला है, कब का मिला, 2020 का हमें क्या मिला है, जिसे मिला है उसका नाम बताइए कॉमेंट में, ये आप रहने दीजिए, ये नहीं आएगा पेपर में, 2020 का आप बताइए किससे अभी हाल ही पे मिला है, इससे पहले का मैं बता देता हूँ, 2019 का मिला था रजनीकांत को, उससे पहले 2018 का मिला था अमिताभ बच्चन को, लेकिन अभी मिला है 2020 का, मतलब 2022 के एंड पे मिला है, ठीक है, 2021 का भी नहीं मिला है, देखो कब मिलता है। एक लास्ट बुक है, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, 100 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका भी आंसर, तो वो आपका हो जाएगा बेल गेट्स, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेरी है कोई कमेंट में जरूर आज करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट के सब्सक्राइब का ऑप्शन है वो भी कर सकते हो, बाकी टेक केयर, मस्त रहो, पढ़ते रहो, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, मॉक नहीं लगाए तो लगाओ, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर आओ वहाँ पे, थैंक यू।